गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। न्यू वीक हुआ स्टार्ट और साथ ही में हमारा डेली रूटीन भी। और आज नीर की तो थी प्रिपेरेटरी लीव। मॉर्निंग वॉक अभी मैंने अवॉइड ही करी थी क्योंकि थोड़ा कोल्ड और कफ अभी भी चल रहा है। क्या लंच में आज मैंने बना दिया था आलू बैंगन पालक की सब्जी जो बनती है बहुत ही टेस्टी। नीर और विनायक तो अभी भी सो रहे थे, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो खैर मैंने सिर्फ बना दिया था लंच, ब्रेकफास्ट दोनों अपने आप मैनेज करेंगे। और मैंने अपने लिए रख लिए थे फ्रूट्स। सब्जी के लिए सरसों के तेल में मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन का तड़का रेडी कर लिया था। अच्छे से भुनने के बाद इसमें सबसे पहले डाल दिए थे आलू और आलू को मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर 5 मिनट के अराउंड पकने के लिए छोड़ दिया था। और नेक्स्ट इसके अंदर डाल दिए थे कटे हुए बैंगन। 5 से 7 मिनट तक इसको ढक के पकाया। और नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डाल दी थी कटी हुई पालक जिसको अच्छे से धो के रखा हुआ था। पालक डालने के बाद सब्जी को मैंने पकाया था मीडियम हाई फ्लेम पे। पालक में से पानी रिलीज होता है, जब वो सूख गया था इसको मैंने कर दिया था लो और अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दिया था अराउंड 10 मिनट और। और बहुत ही यम्मी सी आलू पालक बैंगन की सब्जी हो गई थी रेडी। और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था एक छोटी सी कढ़ाई में। तो अपने लिए फ्रूट्स पैक करे, लंच पैक करा। और कल नीर का है इंग्लिश का एग्ज़ाम तो उसके लिए थोड़ी सी मैंने वर्कशीट्स निकाल के रख दी थी ऑफिस जाने से पहले। आज दोनों के दोनों घोड़े बेच के सो रहे थे, बिल्कुल भी उठने के मूड में नहीं थे। खैर मैंने फटाफट से अपने काम निपटाए, वर्कशीट निकाली और मैं चली गई थी ऑफिस। और सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने देनी थी फ़ोन पे ही। खैर हमेशा की तरह जाम में फंसते फंसाते हम पहुंचे ऑफिस। और शाम को मैं घर पहुंची ऑफिस से तो देखा नीर गया हुआ खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ और आया था काफ़ी लेट। आपके दोस्तों के नहीं पेपर चल रहे जिनके साथ खेल के आए हो 1.5 घंटा? पता नहीं आग के आया, मुझे लग रहा है इसकी हालत तो खराब हो गई, आवाज़ ही नहीं निकल रही। क्या हो गया आयो? वो तो नहीं होता फूडी पापड़ा हो रहा हो कि फ्रेंच फ्राइज मांगे कि बर्गर मांगा, ऐसे तो नहीं होते आपके गेम चेंज हो गए आजकल के? सीधे पढ़ाई में तो और होता है क्या स्टूडेंट की जिंदगी में पढ़ाई के अलावा? गाइस सुनो, आपको ये लग रही है कि मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से 5th में लिखूंगा, मैं बस प्रैक्टिस के लिए पेन का तो नहीं रहा आपको ना, पेन का तो ना कुछ वो हो गया, मुझे लग रहा है कुछ पेन रिलेटेड है ना आपके अंदर कुछ भूत सवार हो गया। मम्मी कुछ ना अभी हॉट चॉकलेट का रेस्ट वेस्ट करने दो। किस चीज का रेस्ट? कुछ रेस्ट करने दो यार, आपको कुछ होना चाहिए, मैं तरस होनी चाहिए। मैं पिज्जा मंगवा ले आज है? पिज्जा ऐसा तरस नहीं है मेरे अंदर, प्लीज कोई पिज्जे की बातें मत क्या करो मेरे से। रेस्ट कर लो थोड़ा सा, मैं हॉट चॉकलेट देती हूँ, रेस्ट कर लो उसके बाद पढ़ाई। पढ़ाई भी नहीं करूंगा, पैसे करो। मत करो पढ़ाई, आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे। फेल हो गए आप, हो गए मैं नहीं फेल होंगी। खुद आंसर बना लोगे, मतलब जो आपको सही लगता है वो जवाब देना होगा इसमें अपना। करना ना कुछ तो बोला करो, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। बाद में फैमिली की सपोर्ट के जैसे हम आगे जॉब वॉब लेके फिर हम खुद का क्या पता, फैमिली के सपोर्ट से खुद का बिजनेस बनाए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर पैसा ना भी हो फिर भी फैमिली से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या है जरूरी नहीं जॉब लेनी है, नहीं जॉब तो लेनी है, जॉब तो करना ही है, नौकरी तो करनी है, जरूरी नहीं है। किसने बोल दिया ये? आलू भी बेच सकते हैं। देख ली इसकी बातें, क्या कह रहा? कह रहा जॉब लेना जरूरी नहीं, आलू भी बेच सकते हैं। जो आपकी फैमिली होती है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपके साथ हमेशा रहती है, आपकी हेल्प करती है। आपको दो चीजों में से चॉइस मिले कि आपको फैमिली चाहिए कि पैसा चाहिए, तो आप क्या चूज करो? बोलो, फैमिली चूज करोगे? ठीक है, पैसा नहीं चूज करोगे ना, कन्फर्म है ना ये? हाँ ठीक है, वेरी गुड, आई लाइक योर आंसर। आप क्या कर रहे हो? मैं फैमिली, पैसा वैसा सब पीछे। पापा भी फैमिली चूज कर रहे हैं, मोमोज हुए और एक तरफ फैमिली, तो आप क्या चूज कर रहे हो? छोले भटूरे फैमिली, फैमिली आलू पूरी फैमिली, फैमिली पिज्जा फैमिली, पिज्जा फैमिली, पिज्जा और फैमिली, फैमिली ऐसे कैसे हो सकता है? तो फैमिली होगी तो पिज्जा आ ही जाएगा। राजमा चावल, छोले चावल, राजमा चावल, कड़ी चावल, कड़ी चावल, पालक पनीर, कड़ी चावल, डोसा, कड़ी चावल, इडली सांभर, कड़ी चावल, कड़ी चावल, पिज्जा, पिज्जा छोड़ दिया इसने कड़ी चावल को, पिज्जा बर्गर,
पिज्जा छोले भटूरे छोले भटूरे हैं ये कब हुआ सच्ची बताओ छोले भटूरे हैं छोले भटूरे राजकचोरी 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 दही भल्ले राजकचोरी गोलगप्पे राजकचोरी टिक्की टिक्की किसकी टिक्की आलू की होती राजकचोरी पाव भाजी पाव भाजी पिज्जा पिज्जा कड़ी चावल पिज्जा पिज्जा राजमा चावल पिज्जा पिज्जा राजकचोरी पिज्जा पिज्जा छोले भटूरे पिज्जा आपने पहले छोले भटूरे यही मैंने पूछा आपने पहले छोले भटूरे हाँ बोला था पिज्जा के साथ हार गए आप गेम हाँ यही होता है आप जो आपको चॉइस सेम रहनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में कोई भी मेक सेंटेंस आता है आपने क्या लिखा भाई डिलीशियस का द थाली वॉज वेरी डिलीशियस ये नहीं लिखना हिंदी के वर्ड्स नहीं आने चाहिए दाल मखनी वॉज वेरी डिलीशियस शाही पनीर ये सब नहीं लिखना ब्लैक लेंटिल्स विद बटर वर वेरी डिलीशियस आप सिंपल लिख दो ना पिज्जा वॉज डिलीशियस बर्गर वॉज वेरी डिलीशियस हाँ इंग्लिश के पेपर में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती नीर को आराम से कर लेता है तो आज का दिन काफ़ी लाइट सा चल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी चला गया आके थोड़ी मस्ती भी कर ली खैर डिनर टाइम में आज मैंने बना दिया था सूजी का उपमा और इसके तड़के में मैंने डाला था सिर्फ थोड़ा सा ऑयल और साथ ही में हींग सरसों दाना काफ़ी सारा कड़ी पत्ता थोड़ा सा अदरक लहसुन चॉप करके बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज चॉप्ड सबको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स किया भूना और नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डाल दी थी सूजी जिसको मैंने भूना था बिल्कुल लो फ्लेम पे और मसालों में मैंने यूज़ किया था सिर्फ नमक और सूजी जब हल्की भुन गई थी थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया था तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था उबला हुआ पानी जो कि था 3 times ऑफ सूजी थोड़ी देर इसको ऐसे ही मैंने मिक्स किया और बढ़िया सा सूजी का उपमा हो गया था रेडी और इसको मैंने सर्व किया था चने की दाल और डेसिकेटेड कोकोनट चटनी के साथ कर लूँगा सेफली 5th सेफली मतलब सेफली मतलब बिना फेल हुए हाँ चले जाओगे मेरे को कॉन्फिडेंस है आप कर लोगे सारा टेंशन ना लो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते आप पढ़ाई करो बस जो रिजल्ट आएगा आएगा पढ़ाई तो कर लो मेहनत से सिर्फ मेहनत से पढ़ाई करो आपका बस ये काम है ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने का काम आपका नहीं है वो टीचर देखेंगी जब वो आपके पेपर चेक कर रही होंगी तो ऐसे ही था हमारा बिजी सा डे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा थैंक यू गुड बाय